पकड़ो मोबाइल को, पकड़ो दवा आता है। हाँ हमसे बहुत गलत शब्द बोले गए, बहुत अभद्र व्यवहार किया भाजपा के शासन। चलो हटो, हम बहुत परेशान हैं। हमारा दादा दस्त दीदी सही नहीं तो ठीक है, तो मैं यही क्लियर करने आया था। ठीक है, मुझे क्लियर नहीं था इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। रोड टू रोड कैंपेनिंग कर सकती, गाड़ी से घूम सकती है, काफिला लेकर के नहीं चल सकती। बाकी आप किसी से कोई ना नहीं कर सकती है, नहीं सर कोई नहीं। केवल खाने को बैठे मानना चाहते हैं कि जान से मारता है बस। हम घोरा से संपर्क करके लौट रहे थे, तो देवी माता मंदिर के पास हम उतरे और कुछ लोग खड़े थे, तो हमने कहा यहाँ से अपना मिलना शुरू करें। तो हमने जैसे ही शुरू किया तो वहाँ पुलिस प्रशासन आ गए, तो वो लोग आए जैसे ही हमारे पास, तो हमसे बोले कि आप घर जाइए। तो हमने कहा क्यों? बोले आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हम प्रत्याशी हैं। तो बोले आप प्रत्याशी हैं और आप घर जाइए और कमरे में सोइए, आराम करिए, और आप जब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपका चुनाव नहीं हो जाता, वोटिंग नहीं हो जाती। अच्छा, तो हमने कहा हमें देखने तो जाना पड़ेगा। तो बोले कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर हम और इस तरीके से मतलब एक पिताड़ना टाइप की कि इस तरीके आप अपना मुँह बांध के जाइए, हाथ नहीं जोड़ सकते हैं आप, इस तरीके से हमसे बात की गई। तो हम फिर वहाँ से निकल आए गाड़ी से और स्टैंड तक पहुँचे, तो वहाँ पर फिर हमें रोका गया। अच्छा, और फिर कहा गया जो आपका जनसंपर्क हो रहा था इसमें आपके साथ कितने लोग थे? हमारे साथ चार लोग थे। अच्छा, साथ में अब बाकी जब हम जाएंगे लोगों में तो वो लोग भी जुड़ के 8-10 लोग हो सकते हैं। हाँ। तो हम वहाँ स्टैंड पे आए तो वहाँ फिर गाड़ी रोक के और हम हाथ जोड़ते हुए जा रहे थे। अच्छा। तो वहाँ बोले आप हाथ नहीं जोड़ सकती हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि हम प्रत्याशी हैं तो हाथ जोड़ते हुए तो हमें निकलना पड़ेगा। बोले आप सीधे घर जाइए, नहीं तो हम आपका पीछा करेंगे और आप पर कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा कि हम आप हमारी सुनिए, हम प्रत्याशी हैं। तो बोले कि आप जो भी हैं हमें क्या लेना देना, पर आप यहाँ से जाइए और सीधे घर जाइए। अच्छा। और जब तक मत निकलिए जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है, आप अपने कमरे में रहिए, आप आराम करिए, यहाँ क्यों निकल रही हैं। तो ये धमकियाँ आपको लगातार मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही हैं। हम तो परेशान हैं और हमें घुआरा में भी जब हम प्रचार के दौरान निकल रहे थे 3-4 दिन पहले, तो वहाँ भी ऐसे ही हमारे साथ हुआ, गाड़ी रोक ली गई, कहा गया कि ये प्रत्याशी जी हैं। इसके बाद भी हमें गाड़ी से नीचे उतारा गया, हमसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रही हैं। तो ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा? हम तो ये, और मैं ये और कहना चाहती हूँ कि भाजपा के लोग, भाजपा सरकार कहती है कि हम बेटियों का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर हमें तो नहीं लगता कि ये महिलाओं का सम्मान है। ये तो जब हमारा अपमान हो रहा तो हम कैसे समझ जाएंगे कि हमारा ये हमारी क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान हो रहा है? ये तो एक अपमान पे अपमान लगातार हो, इस तरीके से ऐसा होता नहीं व्यवहार बिल्कुल हमारे साथ ऐसे लगातार। हम तो परेशान हैं, पर हमें तो अपना काम करना है, हम जनता से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी तो जनता जनार्दन से यही अपील है कि हम उन तक हम बहुत पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमें जगह जगह रोका जा रहा है, हमारा समय ख़राब किया जा रहा है। तो हमारी अपील यही है कि वो लोग अपनी बेटी को, जो अपमान मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, हमारी माता पिता बिल्कुल अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।